अब मैं आपको थोड़ा सा समय एक एक संबंध की अनुभूति सुनाऊं, थोड़ा सा कैसे भगवान को बच्चा बनाया जा सकता है। आपके कितने बच्चे हैं? अगर आप हमारी मानती हैं कि जब हम 12-13 साल की उम्र में दादी आ गई तो दादी हंसी में बाबा कहते बच्चे, एक भी संबंध शिव बाबा को यदि बच्चा नहीं बनाया तो बाबा भी आपको अपना बच्चा नहीं बनाएगा। तो बोले हम छोटे थे तो जब बाबा कहते थे शिव बाबा को बच्चा बनाओ तो हमें शर्म आती थी, बोले हमें संकोच होता था कि हम कैसे बाबा को अपना बच्चा बनाएं। और ये तो कहने का मतलब है, तो बाबा कहते थे बच्ची यदि बाबा को बच्चा बनाकर अपना पुराना कखपन नहीं दिया तो वो तुम्हें बच्चा बनाकर अपना वर्षा भी नहीं देगा। फिर तो उसको बच्चा बनाएंगे तो फायदा है या नुकसान है? तो आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा तो बढ़ जाएगा, और भी देना पड़ेगा। दो हो गए तो तीन हो गए, प्रॉपर्टी तो बढ़ गई, नुकसान हो गया ना शिव बाबा को बच्चा बनाने से। तो भगवान को अपना बच्चा बनाना, ठीक है। हम एक एक संबंध को, जैसे 15 दिन हमने पिता के रूप में संबंध रखा, फिर 15 दिन हम दोस्त के रूप में उनको संबंध, और कैसे रखते मैं बताऊंगा, फिर 15 दिन माँ के रूप में, ऐसा हम अभ्यास करते थे। हर काम में उसको यूज करते थे, छोटे से छोटे काम में। मैं हमेशा अपने भाई बहनों को कहता हूं कि घर में ट्रांसलेट और चित्र मत रखो, केवल है ना, उसको ट्रांसलेट चित्र मत समझो। घर में आपने बैठाया है बाबा को, तो जब कोई घर में आता है मान लो, तो आप ऐसे थोड़े उसको देखते नहीं हो और अपना काम करते रहते हो, ऐसा करते हो क्या? कोई बुजुर्ग घर में बैठा है तो जाओगे तो उसको बताओगे ना मैं इस काम से जा रहा हूं? अच्छा वो काम हुआ कि नहीं आके बताते हो ना कि मैंने क्या हुआ उस काम का। तो घर में भी अगर बाबा है, जिस काम से छोटे काम पे भी जाते हो, खाना भी बनाना है तो बाबा चलो आओ मेरे साथ खाना बनाओ, अच्छा बाबा मैं जा रही हूँ आप घर की संभाल करना मैं जा रही हूँ, फिर आते ही बाबा मैं गई थी इस काम से, ऐसे घर में आपने ट्रांसलेट या फोटो नहीं रखा है, आपने बाबा को चैतन्य में बिठाया है। एक एक बात बाबा से। तो हम एक बार हमने हफ्ता 15 दिन हमने वो अनुभव सुनाता हूं। मैं बेटे के संबंध में मेरा अभ्यास जो नेचुरल है, मुझे अपना स्वरूप बुद्धि से क्लियर दिखाई देता है, जैसे मैं लाइट हूं, प्रकाश हूं, और मेरे साथ जैसे एक एक प्रकाश शिव बाबा शिव मैंने मेरे से, क्योंकि मैं बताऊं और वो बेटा है तो मेरे से थोड़ा नहीं। आप कृष्ण के रूप में भी साथ रख सकते हैं, ब्रह्मा फरिश्ते के रूप में भी, हम बाबा के बच्चों को कहते हैं फरिश्ता ब्रह्मा, उनके तन में वो महाज्योति शिव बाबा, उनको बच्चे के रूप में। तो अब मैं सुबह अपनी सेवा में बैठा हूं, देखो बच्चे के रूप में साथ रखा, अब मेरा संकल्प क्या चल रहा है, बेटा तुम विश्व को स्वर्ग बनाने में लगे हुए हो, इतना बड़ा जिम्मेवारी उठाई है तुमने, अच्छा ये मेरा तन मन जो भी धन जो कुछ है तुम यूज करो, तुम्हारा इतना बड़ा काम है, तुम संसार को सतयुग बना रहे हो, सतो प्रधान बना, तुम स्वर्ग बना रहे हो इस कलयुग को, तो जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, तुम्हारे कार्य में हल्का खुश, जैसे मैं पॉइंट ऑफ लाइट हुआ ऐसा। अब कोई आया और मेरे काम की प्रशंसा की, मान लो कि तुम बहुत, तो मेरे को हंसी आती थी, काम ये कर रहा है सारा और ये मेरी तारीफ कर रहा है, देखो क्लियर एकदम, ठीक है। अच्छा फिर मैं जहाँ सेवा करता था तो मुरली के बाद दादी टोली खिलाती थी, हारमोनी हॉल था तो मुरली पूरी हुई तो सबको टोली, फॉरेनर्स आते हैं दादी जान की यहीं, तो हम लोग, मैं उस समय सेवा में था तो उस समय टोली हम जैसे लास्ट में लेने गए, अब दादी ने टोली दी और मैंने सीधा मुंह में रख दी मुंह में, फिर अचानक देखा बेटा बेटा से कैसे बाप है, अकेले अकेले खा रहा है,
मेरे को तो याद ही नहीं किया, अरे सॉरी 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 भूल हो गए। आप देखो, आप एक एक कौर भगवान की याद में खाते हो। आप जब संबंध के रूप में साथ रखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम कदम कदम पे उसका डिसरिगार्ड कर रहे हैं। आप सुबह से लेकर रात तक केवल उस सर्वशक्तिवान का पालनहार का डिसरिगार्ड करते हो। अब मुंह में टोली रखते ही मुझे याद आ गया, और जैसे ना वो मुझे देख रहा है ऐसे, कैसा बाप है, अकेले ही तो मिला, मीठा खा लिया, मुंह में रख लिया, तो सॉरी सॉरी मैं भूल हो गई। अच्छा फिर दोपहर का समय हुआ, अब मैं उसको कह रहा हूँ देखो तुमको ज्ञान सरोवर में डाइनिंग का पता है। प्रैक्टिकल बात हो रही, ऐसा मैं ना मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ, तो तुमको डाइनिंग पता है ना, तो जाकर भोजन कर लेना। तो लिटरली वो कह रहा है कि नहीं, आप जब तक नहीं जाओगे मैं आपके साथ ही चलूँगा। अरे आप जाओ, मुझे नहीं करना। नहीं नहीं आप चलोगे तो चलूँगा। अच्छा फिर हम निकले और हम ज्ञान सरोवर से हम डाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारा एक एरिया है 30 एकड़ का, तो जैसे मैं प्रकाश एक ज्योति और वो एक ज्योति, ऐसा हम दोनों आपको लिटरली मैं सब कुछ होते हुए देखते हुए भी जैसे कुछ दिख नहीं रहा। माना वहाँ पे 1000 लोग हैं, लेकिन जैसे वो और मैं हैं, कोई मुझे और किसी की याद, कोई कुछ मुझे और कोई दिख ही नहीं रहा है जैसे वो और मैं। अब हम पहुँचे वहाँ पे डाइनिंग में, मैं बोला रुको मैं थाली लेकर आता हूँ। थाली लेकर आया, फिर हम दोनों साथ साथ, हाँ अच्छा क्या क्या खाना है उससे पूछ के, फिर मैं जानबूझ के टेबल लेफ्ट साइड की चुनता था ताकि मैं दीवार की तरफ ऐसे बाएं, तो मैं उसको ऊपर बिठा देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैंने एक और उठाया, जैसे लाया उसको खिलाया, फिर एक और उठाया, फिर जैसे लाइट का हाथ गया उसको, क्योंकि वो देह नहीं है ना, जैसे एक प्रकाश का गया फिर वापस। बीच में ये आवाज जैसे धीरे धीरे खिलाओ ना जल्दी, आप देखोगे आधे दो रोटी खाने में कितना टाइम लगता है। बाबा कहते हैं यदि शिव बाबा की याद में आपने भोजन खाया, ब्रह्मा भोजन, तो आत्मा को शक्ति देगा, और यदि आपने बाबा की याद में नहीं खाया तो इंद्रियों को ताकत देगा, देह को, देह भान आपका बढ़ाएगा। मतलब वो आधा घंटा, आप हैरान होंगे जब वो एक एक कौर उसको खिलाओगे तो आपको पनीर में और दाल में कोई अंतर नहीं लगेगा कि ये खाना तो प्रकृति में जा रहा है, मैं तो इससे जुदा हूं, है ना। ये टेस्ट तो केवल शरीर तक सीमित है, आपको पनीर में और दाल में कोई अंतर नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा अरे तो कुछ भी नहीं है, तो कहां जा रहा है। जब आप साक्षी दृष्टा, जब आप अपने स्वरूप में हो, आपको पता चलेगा ये बाह्य चीजें मुझे क्या सुख दे सकती हैं, कुछ भी नहीं। ये देह देह की चीजें मुझे कोई सुख नहीं दे सकती, मैं इससे अलग हूं। आपको पनीर दाल सब एक समान नजर आएगा। अच्छा जैसे भोजन कराया, फिर जब मैं बाबा के कमरे में जाती, मेरे साथ निकल के ट्रांसलेट में चला जाता है। अच्छा मेरा बेटा, अच्छा मेरे बेटा, पूरे विश्व को देखो तो, अरे छितने इतने लोग मेरे बेटे के लिए, ओहो सब योग कर रहे हैं, शक्तियां ले रहे हैं उससे। अब बाबा की याद में बैठे, सभी बैठे हैं बाबा की याद में, और वो महाज्योति सबको, कोई बात नहीं, देखो आप देहभान में रहोगे तो हलचल होगे, ये बाहरी चीज, इसीलिए कहते हैं ना कि अपने अंदर रहो। तो कहते हैं ना एक साधु और सत्संग कर रहे थे, अचानक भूकंप आया, सब भाग पड़े एकदम, सब कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, और वो साधु वहीं बैठा था, संत सब आए वापस भूकंप के बाद, बोले हम तो भागे, आप क्यों नहीं भागे। बोले मैं भी भागा, मैं अंदर भागा, तुम बाहर भाग रहे थे। तो अंदर भागना है, बाहर भाग रहे हो, कहां जाओगे, कौन सी छत के नीचे जाओगे, कौन से पेड़ के नीचे जाओगे, चाचा मामा ताऊ किसके यहां जाओगे बचने के लिए। हम भागे बाहर, भूकंप आया, तुम कहां भागे, मैं अपने अंदर भागा, मैं भी भागा लेकिन मैं अपने अंदर भागा। तो बाहर की भाग दौड़ थक गए ना। ब्रह्मा बाबा के पास जब साकार में थे तो बच्चे आते थे तो बाबा प्यार से गोद में ऐसे, सिर बच्चे थक गए हैं बहुत, है ना,
भाग भाग के, भाग भाग के, खोज खोज के अब अपने पिता के घर आए हैं, है ना, अब सुकून और शांति से, है ना। तो बच्चे का संबंध ऐसे, हमने साजन का संबंध, रात को हम सोते भी हैं तो उसको साथ लेके, ना, ऐसा नहीं आप सो गए उसको बाहर, घर के बाहर ही है, ऐसा जब आपने संबंध रखा बच्चे का, तो ऐसा अनुभव।